मोहतरम हजरात, आज तो ये नहायत ही खुशकिस्मती का मौका है कि हम इस मुग़ल मैदान के टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में इसलिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। नहायत ही खुशी का मौका है कि यहाँ चंद बातों पर कुछ तजाद था, आपस में दिलों की रंजिशें थी, ये सभी हजरात मिलजुल कर बैठ कर एक टेबल पर बैठ कर आज उन्होंने सारे जो बातें चल रही थी एक दूसरे के खिलाफ उनकी वजाहत हुई और यही साबित हुआ कि शैतान ने खामा खा में दिलों में कुदरत पैदा कर रखी थी और इस बात पर इतफाक़ हो गया कि आइंदा ये सारी कुदरतें या अदावतें या दुश्मनें हम मिटाएंगे, हम एक और नेक हो जाएंगे, क्योंकि हम एक अल्लाह को मानने वाले, एक नबी को मानने वाले, एक कुरान को मानने वाले, एक दीन पर चलने वाले हैं। इसलिए हमारे अंदर नाइतफाकी का होना ये बहुत ही बुरी चीज़ है। इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहना ईमान वालों की एक ख़ास शान है, लिहाजा इसी के मुताबिक यहाँ के चंद हजरात ने, यहाँ के ज़ेशूर हजरात ने कदम आगे बढ़ाया और मस्जिद शोरा के साथ थोड़ा राबता किया। इससे पहले इन हजरात ने ये तय कर लिया था कि हम अपनी अदावतें और अपनी रजिशें मिटा देंगे और आइंदा के लिए हम इत्तेहाद और बाकी जो भी हमारे दीन के जितने प्रोग्राम होंगे वो इत्तेहाद और इत्तेफाक से करेंगे। लिहाजा इससे बढ़कर और कोई खुशी का मौका नहीं हो सकता है। जब इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात हो, जब एक दूसरे के करीब आने की बात हो, अल्लाह ताला इन हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए जिन्होंने इसके लिए आगे कदम बढ़ाया और आगे आकर आगे बढ़कर यहाँ जितना बुज़ुर्गों ने इसमें हिस्सा लिया उससे ज़्यादा जोश हमने यहाँ के नौजवानों में पाया। अल्लाह ताला उनकी इज्जत में बरकत फरमाए, उनकी उम्रों में बरकत फरमाए, उनको हर सेहत और सेहत से अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, उनकी जवानी में उनकी उम्र में बरकत हो और वो मिसाली नौजवान बन जाएं, वो सारे इंसानियत को जोड़ने वाले बन जाएं और इत्तेहाद और इत्तेफाक से ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। मैं कहता हूँ ये मौका सिर्फ मुग़ल मैदान के लिए नहीं बल्कि पूरे किश्तवाड़ के लिए, पूरे ज़िले के लिए, बल्कि आलमी इस्लाम के लिए खुशआइन बात है कि आज आपस में जो रंजिशें थी, कुदरतें थी, अदावतें थी, दूर हो गई और आज हमने अहद किया और वादा किया कि हम एक रहेंगे, यकजा रहेंगे, यकजा रहेंगे, एक अल्लाह को मानेंगे, एक नबी को मानेंगे, एक रसूल की तालीम पर चलेंगे, एक कुरान पर अमल करेंगे और आपस में भाईचारा और अपने बरादर वतन के साथ भी हम इत्तेहाद और इत्तेफाक का हाथ बढ़ाएंगे। अल्लाह तबारक तआला हमारे आज इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए और इसको क्या है हमारे ये ज़खीरे आखिर बनाए। वो सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मौलाना मुहम्मदिन वाला आलिहि वसहबिही अजमईन बिरहमतिल्लाहि यार।